नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। हमारा ये वेबिनार सेशन है और कोई तकनीकी खामियों की वजह से इस सत्र को हमें बीच में ही रोकना पड़ा था, पर फिर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जहां से हमने ये सत्र छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि ये 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग है सोशल मीडिया फॉर एजुकेशन में, और इस डिस्कशन में हमारे साथ 3 एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर संजय हमारे हैं मॉडरेटर इस सेशन के, हमारे साथ हैं डॉक्टर गौरव सिंह और हमारे साथ प्रोफेसर शर्मा भी इस सत्र के लिए जुड़े हैं। अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर संजय से कि आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं और हमारे अगले पैनलिस्ट को प्लीज इनवाइट करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर गौरव सिंह जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के साथ साझा की। अभी चूंकि समय के अभाव को देखते हुए हम बहुत ज्यादा भूमिका नहीं बना पाएंगे, कुछ चर्चा अगर आगे करने का मौका मिला तो देखते हैं। तो मैं इस श्रृंखला में डॉक्टर रमेश शर्मा जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में, उनको निमंत्रित करता हूँ और अपनी बात रखने की अपील करता हूँ। सर, थैंक यू डॉक्टर संजय। ओके, विदाउट going into the details backgrounds, actually if you see that today the question which we are thinking about is that social media, can they support learning? Mera ye manna hai ki hame ye bhi dekhna hai ki social media kya nahi kar sakta. Main aapko abhi jaise aapne jab session ko introduce karaya tha aur Dr. Gaurav ne bhi social media ke जो उनके कुछ मेन स्पेशल फीचर्स हैं उनको शेयर किया हम सबके साथ। अब ये इसकी सोशल मीडिया की पावर देखिए आप। दिस इज ए न्यूज कि 2015 में यूएस एयरफोर्स ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया और उसका जो एक सूत्र था वो ये था कि वहां पे एक फाइटर ने अपने खुश होते हुए, उन्होंने तो अपनी एक सेल्फी ले ली, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया। But the security agencies, they could track down that person and then they bombarded that place. See the power of social media. Another power of social media, and ये जो मलेशिया के में जो MH17 है, बड़ा दुखदायी घटना हुई थी कि आकाश में से अचानक गायब हो गया था। तो लेकिन इसको भी ट्रेसिंग के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने यूट्यूब के ऊपर जो टेस्टिमनीज हैं उनको और दूसरी चीज़ों को सैटेलाइट इमेजरीज के साथ करके पाया गया कि हुआ क्या एक्चुअली में उनका, वो उसी तरीके से मीन्स किस तरीके से ट्रैक करते हैं लोग सोशल मीडिया की पावर। एक और आप ये सोशल मीडिया का रोल देखिए कि देयर आर टूल्स। अभी जैसे डॉक्टर गौरव ने अपने सेशन के अंदर आपको बताया कि आपको सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस थिंग। एंड इवन इट इज डेंजरस टू दैट एक्सटेंट कि US मिलिट्री पर्सनल की मूवमेंट को भी रिकॉर्ड करने की चीजें सामने आई थी बिकॉज उनके फोन के साथ कि किस तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। एंड यू नो दैट वेयर द मिलिट्री, एंड नाउ अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीरियस मामला है कि यदि आपकी आर्मी की डिप्लॉयमेंट को ट्रैक किया जा सकता है देन देयर कैन बी सीरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ दैट। ये एक वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट का डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं दूंगा आपको, बट पिक टू मैप पे जाके आप एक फोटो अपलोड करके आप ढूंढ सकते हैं कि वो फोटो कहाँ पर खींची गई है। सो सी कि कितने किस किस्म के हमारे पास अब इंस्ट्रूमेंट वगैरह आ गए हैं। ये एक प्योर रिसर्च है, उन्होंने इसके ऊपर काफी रिसर्च करके हमें बताया कि व्हाट शुड बी द डिजिटल लाइफ इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स ऑफ दैट, and the power of social media is one of them. And to know our students, when we are discussing the question ki social media learning ko kaise support karta hai, hame kuch cheezon pe dhyan dena chahiye. Students ke behavior ke upar, jaise shopping karne hum jate hain, dukan wala jaise hi aap dukan ke andar entry karte hain aur cheezon ko dekhna shuru karte hain, wo hamare behavior ko pehchan lete hain ki hum vastav mein saman khareedenge ya just keval window shopping ke liye aaye hain. They are the biggest psychologist in that way. Demographics, geographic, psychographic, इस किस्म से हमें अपने learners को पहचान कर उनका profiling करने की, profiling is very important. In particularly in social media, ये जितने भी social media apps होती हैं हमारी, किस तरीके से अपने एक content को आगे push करना है, on the basis of that. और जैसे डॉक्टर गौरव ने आपको बताया था कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने प्रोफाइल पर या पेज पर या क्या वहाँ पे शेयर करते हैं,
these platforms, they profile us so that the relevant kind of business is supported through that. और इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हमें अपने स्टूडेंट को पहचानना है, जैसे बैंकिंग के अंदर वो करते हैं KYC, नो योर कस्टमर, उसी तरीके से हमारा स्टूडेंट कौन है, और ये ऑनलाइन मीडियम के अंदर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो अब हमें करना क्या चाहिए, हमें ये देखना है जब हम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं कैसे उन तक पहुँचें, कौन सा कंटेंट उनके लिए अच्छा रहेगा, उनकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से उनके साथ हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो जो कंटेंट है कौन सा टॉपिक मोस्ट रेस्पॉन्डिंग के लिए वो होगा, किस तरीके से उनको हम एग्जिस्टिंग सोशल नेटवर्क्स के अंदर एंगेज कर सकते हैं, डेमोग्राफिक्स के अंदर कंपटीटर कौन है, जैसे वो अभी हम आगे देखेंगे कि यदि आपके पास व्हाट्सएप हम इंडिया के अंदर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो चाइना के अंदर वीचैट ज़्यादा चलता है, किसी दूसरी जगह पर टेलीग्राम ज़्यादा यूज़ होता है, सो उसी तरीके से कौन सा कंपटीटर और डेमोग्राफिक को वो किस तरीके से सेटिस्फाई करता है, लैंग्वेज, लोकेशन, रीजन, कहाँ पर किस ऑडियंस का क्या इंटरेस्ट है, किस स्टेज के ऑडियंस है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम सोशल मीडिया से डिस्कस करते हैं। हमारा सोशल ऑडियंस जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, वो कौन सी सोशल मीडिया पर और कितना टाइम और किस एक्टिविटी के ऊपर स्पेंड करते हैं, इसका एनालिसिस, ये बड़े मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए। एज ए टीचर वी ऑल आर डिजाइनर्स, वी डिज़ाइन द इंस्ट्रक्शन, वी डिज़ाइन द लर्निंग, और इन चीज़ों को देखते हुए हमारे सोशल मीडिया की आउटरीच, हमें दो चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान देना होता है कि उसकी ऑर्गेनिक रीच या पेड रीच। ऑर्गेनिक रीच तो वो होता है जब हम अपने नेटवर्क के अंदर कोई मैसेज फैलाते हैं और हम उसको प्रमोट करने के लिए कोई पेमेंट नहीं करते। दूसरी होती है पेड रीच, कि जहाँ पर सोशल मीडिया में किसी मैसेज को पहुँचाने के लिए हम किसी एजेंसी को हायर करते हैं, एंड दैट इज़ ए पेड रीच, वो दे आर स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड। अभी एक एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप में से कितने इस फोटो को देख के पहचान सकते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, बट मे बी लेट अस टू कट द स्टोरी। हिज नेम इज सैमसन एंड बिलीव दैट लॉन्ग हेयर द पावर लाइट इन द लॉन्ग हेयर, और वो इसीलिए था कि फिर वो राजा ने उसके कोई भी आर्मी उनके अगेंस्ट नहीं स्टैंड कर सकती थी, तो उन्होंने जो दुश्मन देश के थे उन्होंने एक कन्या को भेजा इनके पास, उनकी शादी हो गई, और फिर एक बार इन्होंने अपने राज खोल दिया कि मेरी जो ताकत का राज है मेरे लंबे बालों में है, और फिर उन्होंने उसके बाल काट दिए तो उसकी ताकत चली गई। मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इफ लॉन्ग हेयर गेव द स्ट्रेंथ टू सैमसंग, सोशल मीडिया को उसकी पावर कौन देता है? हमारा सोशल मीडिया, अब हम हर चीज़ पे, जैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब के ऊपर जा रहा है, फेसबुक के ऊपर आपके प्रेजेंस है इतनी, तो सोशल मीडिया को पावर कौन देता है? सिंपल सा आंसर है कम्युनिटी। द कम्युनिटी गिव्स द पावर टू द सोशल मीडिया। इफ यू कट दैट ऑफ, इफ यू डोंट इन्वॉल्व द कम्युनिटी, इट बिकम्स पावरलेस देयर। ये कुछ सोशल मीडिया के पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड टॉप मोस्ट इन द रेंज आते हैं, तो आप इनको यहाँ से, आप लिस्ट में से आप नाम इनके देख सकते हैं। इंडस्ट्री किस तरीके से कहाँ पर क्या यूज होती है, जॉब्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, जॉब ट्रेनिंग, फेसबुक का दिस इज ऑन हाउ, ट्रेवल, फैशन, लाइफस्टाइल, प्रिंटिंग, फोटोग्राफी एक्सेट्रा, इंस्टाग्राम कहाँ पर यूज होता है, यूट्यूब कहाँ पर यूज होता है, दे आर वेरियस थिंग्स, ट्विटर्स को किस किस में, हायर एजुकेशन पर, फाइनेंशियल सर्विसेज पर, इन्फ्लुएंसर्स, होम डेकोर, फैशन, किस तरीके से सोशल मीडिया को यूज किया जाता है। पेंडेमिक के बाद अब जैसे रेस्ट्रिक्शंस कम होने लग गई हैं, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पे किस किस तरीके से चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को, मोबाइल की एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल हो गया है यहाँ पर, बिकॉज मोबाइल टेलीफोन हैज सरपास्ड ऑल काइंड ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स, एंड दिस हैज गिवन राइज टू ए डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैफिक वेयर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर वीडियो बेस्ड, एंड वीडियो बेस्ड इंस्ट्रक्शन, जैसे डॉक्टर गौरव ने भी आपके साथ शेयर किया था कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया, जैसे आप बता रहे थे कि इनको कितने हजारों के अंदर वीडियो बनवाने थे, किस तरीके से वो आप डेवलप करते हो उनको, और स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए इफ़ यू हैव ए गुड वीडियो कॉन्टेंट विद यू, मे बी दैट इज ए गुड अल्टरनेटिव टू द इंस्ट्रक्टर बेस्ड, टीचर बेस्ड, और उसके अंदर डिपेंड ये करता है कि हमारा कंटेंट टाइप कैसा है, और उस कंटेंट को बेस के मानते हुए हमें कौन से किस्म का सोशल मीडिया पर हमें ज़्यादा
यूजफुल है, पर सोशल मीडिया हर रोज प्रतिदिन पावरफुल से पावरफुल होता जा रहा है, लोग इतने ज़्यादा उसके अंदर ऐड होते जा रहे हैं। साथ ही साथ हमें अब ये भी सोचना पड़ रहा है कि क्या वास्तव में ये हमें उस किस्म की फ्रीडम दे रहा है जो हम चाहते थे, बिकॉज सोशल मीडिया को अब आजकल बहुत सारी जगहों पर जैसे पेगासस का कितना चर्चा रहा मीडिया के अंदर कि सर्वेलियंस, मॉनिटरिंग, डिस इंफॉर्मेशन, फेक न्यूज़ वगैरह का एजुकेशन के ऊपर एक मास मीडिया के तौर पे कितना उसके ऊपर गंभीर फर्क पड़ता है। इंटरनेट की जब हम नॉर्मल बात करते हैं तो जो नॉर्मल है वो केवल 4% के हिसाब से होता है, बाकी जो सारे का सारा है दैट गोज विद डीप वेब और डार्क वेब एंड इट अफेक्ट्स द इन्फ्लुएंस एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हाउ डू वी यूज इट। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है ये देखने के लिए कि इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम डिजिटल एक्सपीरियंस किस तरीके से यूज़ कर पाएंगे। इनके एजुकेशन के अंदर हम मोबाइल लर्निंग कंटेंट सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस हो, इंस्टेंट फीडबैक देना है, कोलैबोरेशन हमने कराना है, उनके अपने लेसन अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं, कम्युनिटी न्यूज़ फोरम जैसे डॉक्टर गौरव बता रहे थे कि जब उनको वीडियो के लिए देखना था तो उन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया, कम्युनिटी एस्टेब्लिश की और जिसमें लोगों ने अपना वो किया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कोविड के दौरान सोशल मीडिया का एक यूनिक रोल हमारे सामने आया क्योंकि इसकी वजह से डिसरप्शंस थे, क्लोजर्स हो गए सारे के सारे एंड वी वर फोर्स टू मेंटेन फिजिकल डिस्टेंसिंग सो दैट वी शुड कट डाउन दिस, और इसकी वजह से हायर एजुकेशन लैंडस्केप एंड स्कूल लोअर सेकेंडरी एक्सेट्रा अदर प्राइमरी स्कूल्स देर वर बिग चेंजेस इन टू दी सिस्टम्स द कम्युनिटी। फेस टू फेस में क्या सिचुएशन होती थी, ऑनलाइन सिचुएशन के अंदर किस तरीके से हमें जाना, वो सारे का सारा उसके अंदर सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी किस तरीके से आप कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। जी प्रोफेसर शर्मा, आप बहुत ही जरूरी जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं, पर माफ कीजिएगा सर, अब सत्र को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा। ओके सर, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर वी हैड सर्टेन क्वेश्चंस बट ड्यू टू सर्टेन टाइम कंस्ट्रेंट्स वी माइट नॉट बी एबल टू टेक देम, बट थैंक यू सो मच सर, इतने कम समय में भी आपने बखूबी अपनी बात रखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस सत्र में हमारे साथ संजय सर भी मौजूद थे, सर थैंक यू सो मच फॉर मॉडरेटिंग द सेशन सो वेल, और जिस तरह से आपने इस पूरे सत्र की भूमिका बांधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस सत्र में गौरव सर भी मौजूद थे, सर आपने भी सोशल मीडिया से जुड़े जितने पहलू हैं उनको छुआ, अलग अलग आयामों से हमारा परिचय कराया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने तीनों ही रिसोर्स पर्सन्स का धन्यवाद करते हैं इस सेशन में, और माफ़ी चाहेंगे समय के अभाव के कारण इस सत्र को हमें यहीं समाप्त करना होगा, और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे आप कहीं मत जाइएगा, कुछ ही समय में वापस लौटेंगे नेक्स्ट सेशन इस सहयोग, सो स्टे कनेक्टेड टू एनसीआरई। नमस्कार।